हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसी हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 5:30 हो चुके हैं वैसे, और मैं 4 बजे उठ गई थी वैसे, और बैग मेरा हो गया है रेडी। ये देखो कहाँ जा रहे हैं हम इतने सुबह सुबह, आप लोगों को पता लग ही जाएगा वीडियो में। तो बस वीडियो में बने रहना एंड तक, एंड वीडियो थोड़ी सी पिछले के तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हल्ली मेरे को परेशान होने लगी, जैसे तैयार हो जाती ना बस परेशान हो जाने लगती है लड़की ना। हेलो, अच्छा हेलो कर दो। हाँ और बच्ची इधर देख, देखिए बच्चा नो नो चुप 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 चुप। तो गाइस ठीक है, मैं मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। तो मैं भी बैठ चुकी हूँ बस में, और छोड़ने के लिए बस स्टैंड तक, यानी कि जो मेरे बड़े वाली जेठानी का लड़का है वो आया था हमें छोड़ने के लिए। और पता है बाइक पे सिर्फ अपने, मतलब हरलीन अपने सिर्फ पापा की आज तक बैठी, और किसी की बाइक पे नहीं बैठी आज तक। और इतना ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा रोई, फिर वहाँ तक चलो चुप हो गई जैसे बस स्टैंड पर आई। लेकिन जैसे ही बस स्टैंड से फिर हम बस में बैठे ना, तब भी वहाँ पर रोने लग गई, क्योंकि पहले बैठी थी, एक साल हो गया होगा तब भी बैठी होगी, जब ये बहुत छोटी थी। लेकिन आज मतलब इतना ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि इसे शायद फर्स्ट टाइम, मतलब इसकी होश में फ़र्स्ट टाइम ही बैठ रही है, जब वो छोटी सी थी जब बैठी थी। तो अभी हम मतलब गाज़ियाबाद पहुँच चुके हैं, और अभी ना ऑटो कर लिया था फिर वहाँ से ना बस से हमने, और ऑटो करने के बाद हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर है ये पासपोर्ट ऑफिस है यहाँ पे गाज़ियाबाद में ना, तो यहाँ पे आना था मेरे को ना, और उधर से मतलब दिल्ली से मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो इधर से मैं आ गई थी, और इधर से मतलब मेरे हस्बैंड आ गए थे यहाँ पर। और अभी जो हरलिन का पासपोर्ट है ना, वो 1 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन हरलिन का पासपोर्ट अब आज तक नहीं बना था। ये देखो ये आ गए थे, ये हमें जहाँ से मतलब बस में उतरे थे ना, हम वहीं पर भी मिल गए थे, क्योंकि पहले ही ये आके वहीं पे खड़े थे। तो हरलिन का 1 साल पासपोर्ट हो गया लेकिन अब तक नहीं बना, क्या कमी है क्या नहीं वो आज पता लग जाएगा, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो गया इसके पासपोर्ट को। और गर्मी में हालत इतनी बुरी हो गई ना, बहुत बुरी हालत हो गई। तो अभी बस वेट कर रहे हैं मतलब उसका ना, कि कब नंबर आएगा। जो डॉक्यूमेंट्स थे उनकी सब की फ़ोटो कॉपी करा ली। और हरलिन बाबरे, मतलब आज तक इसने इतनी ज़्यादा शरारत नहीं करी जितनी आज कर रही है। मेरे को ना यहाँ पर बैठ, अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ पौड़ियों पर ना, तो देखो यहाँ पर ना हम यहाँ पर आ चुके हैं अंदर। देखो लाइन लग रखी है बहुत सारी, और लाइन में लग गए थे, लेकिन वहाँ पे पता क्या हुआ, वहाँ पे जो कमी है वो ना फ़ोटो में कुछ कमी बताई। तो हरलिन का हम दूसरा नया फ़ोटो खिंचाने के लिए जा रहे हैं, और पता है मतलब 1.5 किलोमीटर तक हम दूर तक पैदल तक गए, क्योंकि वहाँ पे आसपास ना फ़ोटो वाले की कोई दुकान या कुछ भी वैसा नहीं था। तो हम लोग इधर आए, और पता है मेरे को भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और यहाँ पर ना नर्सरी है फूलों की ना। तो अभी हम लोग ना हरलिन का फ़ोटो खिंचाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमने हमें मतलब बताया कि इधर है फ़ोटो वाला ना, तो उधर जा रहे हैं फिर हम लोग ना। तो हम यहाँ पर आ गए थे फ़ोटो वाले की दुकान पे, लेकिन हरलिन ने फ़ोटो नहीं खिंचा के दिया, इतनी ज़्यादा रोई ना, पता नहीं जैसे ये फ़ोटो वाला इसकी मतलब मोबाइल में फ़ोटो खींच रहा था ना, तो इतनी रोई ना, बहुत ज़्यादा रोई। और देखो फ्रूटी दे के, मतलब फ्रूटी के लालच से भी इसने फ़ोटो नहीं खिंचाया, बस ऐसे कैसे जैसा कैसे ना, एक बड़ा मुश्किल से है, बड़ा बेकार सा फ़ोटो आ रहा है, बिल्कुल काला सा फ़ोटो आ रहा, लेकिन है तो एक गोरी चिट्टी, लेकिन वो ये ना बड़ा गंदा फ़ोटो आया था इसका। तो फ्रेंड्स हम ना फ़ोटो खिंचवा करके आ गए थे फिर पासपोर्ट ऑफिस ही, और हरलिन के मैंने कपड़े चेंज कर दिए, क्योंकि आज जितनी भी सारी हदें थी ना, सारी हदें पार कर दी हरलिन ने, जो इसकी मतलब क्या बोलूँ उसे, बचपन बोलूँ या क्या बोलूँ, सब कपड़े मतलब गंदे, मतलब फर्श पे भी ऐसे लेट रही थी ना आज, ये मैंने आज तक इसका ये रूप नहीं देखा था हरलिन का, जो परेशान करने वाला था ना, ऐसे मतलब मस्ती कर रही थी, ये बाप रे फर्श पे ऐसे लेट रही थी ना, मतलब इतना घर तो आए तक नहीं लेटी फर्श पे, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे गेट पे बैठ गई। ये मना करते कि नहीं बेटे पीछे गिर जाओगे तुम, लेकिन नहीं बिल्कुल नहीं। तो गाइस हमने जो मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स थे हमारे यहाँ पर, हमने पासपोर्ट ऑफिस में जमा कर दिए हैं, और फ़ोटो वगैरह सब वो कर दिए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, देखते हैं जब कितने दिन में बनता है कितने दिन में नहीं बनता। और हाँ मैं आप लोगों को ना बताऊँगी मतलब किस वजह से कैसा फ़ोटो था, जो हमने पहले पासपोर्ट में के लिए जब अप्लाई किया था तो कैसा दिया था फ़ोटो।
तो मैं दूसरी वीडियो में दिखा दूंगी आपको ना किस वजह से नहीं बन रहा था वो फ़ोटो, क्या कमी थी उस फ़ोटो में ना, ताकि आप लोग भी वो गलती ना करो जो हमने की है। आज पूरा दिन ऐसे गया ना, बहुत बेकार गया आज का दिन ना। तो हम यहाँ पर ना बस का वेट कर रहे थे, जैसे ही बस आएगी तो हम फिर से चल देंगे। और ये देखो हरलीन के कपड़े चेंज तो कर ही दिए थे, क्योंकि वो वाले कपड़े इसने इतने गंदे कर दिए थे ना, इतने बस भोरी हालत कर दी थी। और हरलीन के लिए एप्पल एप्पल भी लेके आए थे, और इसका मतलब खाने का सामान भी था, लेकिन वो ये ना इतना ज़्यादा परेशान किया आज इसने ना, बस मैं बता नहीं सकती। मतलब वहाँ की ना एक वीडियो थी जहाँ पे मैं बाथरूम में थोड़ी देर के लिए इसे बाथरूम में लेके थोड़ा पानी से खेली, मतलब वहाँ पे सब इसी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि ऐसे चिल्लाती थी इतनी ज़ोर से, बाबरे सब लोग इसी की तरफ देखने लगते थे। तो गाइस हम बस में से उतर के वैशाली जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर आ गए थे, क्योंकि वैशाली मेट्रो स्टेशन से हम जाएंगे पटेल नगर। और यहाँ पर भी पता नहीं हरली ना ऐसे गोद में लेते हैं, तो मतलब कभी मुंह पे चूटती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है, फिर नीचे उतारना पड़ता है ऐसे। फिर और जैसे ही नीचे उतार देंगे इतनी तेज़ भागती है इधर उधर। आज तक इसने ऐसी शरारत नहीं करी जो आज कर रही है ना। मैं सोच रही यार ये लड़की ऐसी तो नहीं थी, मतलब इतना नहीं कि हाँ अगर हम कहीं जा रहे हैं तो उल्टा पुल्टा हो रही है और अपने इधर उधर वो करी। तो यहाँ से नहीं, ये अंदर से वैशाली जो मेट्रो स्टेशन है ना वो है यहाँ से। तो मेट्रो आ चुकी है, हम मेट्रो में जाएंगे पटेल नगर के लिए। ओ सच्ची बता रही हूँ, इस मेट्रो में बैठ के सुकून मिला है। बाप रे दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी ना, खैर मुझे तो लग ही रहे हाँ, लेकिन जो यहाँ के हैं उन्हें तो खैर नॉर्मल ही लग रही होगी, नहीं सेम ही गर्मी है। लेकिन क्योंकि मैं गांव से आई हूँ तो इस वजह से गाँव में तो इतनी गर्मी नहीं है जितनी यहाँ पर हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी। मेट्रो में बैठ के सुकून मिला, और फिर पानी की बोतल भी ली हमने, क्योंकि पानी तो इतना ज़्यादा पिया जा रहा है। एक तो गर्मी ऊपर से ना बहुत बुरी हालत हो रखी है, कुछ मिलो या ना मिलो लेकिन पानी ज़रूर मिलना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पर आ गए थे पटेल नगर, मतलब पहुँच गए थे, और यहाँ पे हमने लिफ्ट, और मैंने सोचा मैंने लिफ्ट की बना लेती हूँ थोड़ी सी वीडियो। और ये हम ना यहाँ पर पहुँच चुके हैं पटेल नगर मेट्रो स्टेशन, और अब जा रहे हैं दीदी के यहाँ पर हम। तो यहाँ पर अभी हम लोग इधर से जाएंगे, देखो ना मेरे हस्बैंड पहले ही चले गए, और क्योंकि मुझसे नहीं चला जा रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। खैर ये तो वैसे भी मेरे से स्पीड ही तेज़ ही रहती है इनकी चलने की ना, बट मुझसे ऐसे तेज़ तेज़ नहीं चला जाता क्योंकि वैसे भी आए तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो गाइस हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और हरलीन देखो आते ही सार ना क्या किया इसने, बस इसे वो टेडी बियर चाहिए थे, मतलब मैं बैठी थी और तुरंत इसे टेडी बियर पर नज़र गई, तुरंत इसने टेडी बियर की वो करनी। तो गाइस इस वीडियो का मैं यहीं पर ही एंड कर ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।